जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के पिछले वीडियो में आए हुए थे कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री की जो भर्ती आई हुई है इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो इसकी जो आपका मेरिट लिस्ट है वो कितने पे जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल था कि 10th वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और भी बहुत सी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस भर्ती से जुड़ी जितनी भी आपके मन में सवाल है पूरे सवाल को यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल वैकेंसी की, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वैकेंसी जो है लगभग आपकी जो है 4000 या 4800 के लगभग आने वाली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी को बढ़ा के जो है 6060 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट आ रहा था कि फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, जो फीमेल्स है वो फीमेल्स भी इस फॉर्म को जो है अप्लाई बिल्कुल भी कर सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फीमेल के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ITI और नॉन ITI यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10th वालों को भी जो है परमिशन दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का ये सवाल क्लियर कर दूँ कि जिनका जो है सिर्फ 10th है, ठीक है, सिर्फ 10th है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप लोगों की 6060 है, और यहाँ पर जो आपका ITI और नॉन ITI के लिए जो वैकेंसी है वो आपका ITI वालों के लिए लगभग 3847 वैकेंसी है, और नॉन ITI वालों के लिए जो है 2219 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती है, क्योंकि ऑर्डनेंस फैक्ट्री में इतनी वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था इसका, ठीक है, 2017-18 में जब एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो इसमें जो है एग्ज़ाम करवाया गया था। ठीक है, एग्ज़ाम करवाया गया था। अब यहाँ पर जो इस पर नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर दिया होगा कि इस जो भर्ती का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है पांचवा पॉइंट आप लोगों ने नोटिफिकेशन का देखा होगा, तो मोड 1 सिलेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वहाँ पर बोल दिया है कि सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर सीधे जो पहली लाइन है उसी में यहाँ पर बोल दिया गया है कि सिलेक्शन जो इसका होने वाला है वो आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो मन में डाउट था कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और जो है होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को इस पहले बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आप लोग जब फॉर्म इसका अप्लाई करने के बाद आपकी इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि आपके अगर आपका 10वीं से आपने फॉर्म भरा है तो 10th के जो आपके नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, आपने ITI के अकॉर्डिंग अगर आपने जो फॉर्म भरा है तो ये आपका ITI के अकॉर्डिंग आपका जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाला है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को जो मन में थी कि इसका जो फॉर्म अगर भरते उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी कितने तक, जैसे मेरा उदाहरण के लिए आप लोगों को बताओ कि मेरा जैसे 70 नंबर है तो मेरा जो है मेरिट में लास्ट नाम आएगा या नहीं। ठीक है, मेरे 75 नंबर है तो मेरिट में लास्ट जो नाम है आएगा या नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा डाउट आप लोगों के मन में चल रहा था। अब उसको मैं भी बताऊँगा उसके बारे में भी। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये ले लीजिए कि यहाँ पर जो 10वीं और आप लोगों की जो ITI वालों के लिए जो एलिजिबिलिटी बोली है तो उसमें जो परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर ITI और जो फॉर नॉन ITI, तो यहां पर आप लोगों को जो नॉन ITI वालों के लिए बता दूं कि आप लोग कौन इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो है 50% आप लोगों का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों को यहां पर बोला है कि जो आपका 40% मार्क्स जो है वो आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस में होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका एग्जांपल के लिए 70% भी है, लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स में अगर आपका 40 से कम जो अगर परसेंट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में बोल दिया गया। ITI वालों के लिए भी उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो है ITI में भी मिनिमम 50% यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि मिनिमम 50% जो है आप लोगों का ITI वालों के लिए भी यहाँ पर कंपलसरी होगा। अब यहाँ पर कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं दे देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग जो यहाँ पर वैकेंसीज है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करेंगे चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ के बाद मध्य प्रदेश दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के बाद भी मध्य प्रदेश दिया है, जो कि अलग रीजन है, जैसे कि आयरन फैक्ट्री, ठीक है, गनगैरेज फैक्ट्री, जबलपुर वगैरह, इसमें जो है अलग अलग। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्म जो है आपका फॉर्म अप्लाई जब होंगे, ठीक है, तो इसके फॉर्म जो है आप लोगों को पता है कि 10 तारीख से स्टार्ट है जहाँ तक। ठीक है, तो जब फॉर्म आपके जो है पूरे कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक जो है अपडेट मेरे द्वारा दे दी जाएगी कि आपकी जो कट ऑफ है इसकी कितनी की जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग फॉर्म कितने भरे गए हैं, ठीक है, किस रीजन में कितने भरे गए हैं, क्योंकि उसमें फिर जो है आप लोगों को रीजन बढ़ जाएगा। ठीक है, रीजन बढ़ जाएगा कि कितने रीजन है, तो उदाहरण के लिए आपके 10 रीजन है, ठीक है, 10 रीजन में फिर आपके ट्रेड है, ठीक है, ITI के ट्रेड है, फिटर के ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड है, तो इसके अनुसार आप लोगों की कट ऑफ जो है डिसाइड होती है। ठीक है,
दूसरे जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे वो आए थे एज लिमिट से, ठीक है, कि जो आपकी इसकी फॉर्म भरने के लिए कब से कब तक वाले जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी दी है कि 15 साल से लेकर जो है 24 साल तक के जो मतलब स्टूडेंट है वो इसको आपको अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर ST SC OBC वालों के लिए जो है यहाँ पर छूट दी गई है। जैसे ST SC की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। OBC वालों की अगर बात करूँ तो 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैंडीकेप है उनको भी 10 साल 13 साल 15 साल ST SC OBC इनको जो है बांट दिया गया। मतलब यहां पर अगर एज लिमिट की बात करें तो यहां पर एज लिमिट काफी ज्यादा दी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को कौन कौन सी जो है डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता यहां पर होने वाली है। तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है कि हाउ टू अप्लाई, तो इसका अप्लाई फॉर्म किस प्रकार से करना है, एप्लीकेशन फॉर्म उसका वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं आगे चलता हूँ कि हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है ये तो आप लोगों को पता है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा सबसे पहले जो है सॉफ्ट सेकेंड कॉपी जो है कलर फोटोग्राफ की आपको जो है यहाँ पर कॉपी लगने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बात कर लिया फोटोग्राफ का, दूसरा सिग्नेचर और तीसरा है थंब इंप्रेशन। अब इसका फॉर्म आप मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं, जैसे कि केम स्कैनर हो गया उसके माध्यम से आप फोटो खींच के जो है अपने गैलरी में सेव करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इनको अपलोड करना होगा, ये जो आपके 3 पॉइंट दिए इसमें अपलोड करने वाले पॉइंट है, ठीक। अब नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बोला है कि 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आप लोगों को डालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो है सेकेंड कॉपी ऑफ जो फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन PDF GPG फॉर्मेट साइज 100 KB एंड 200 KB। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आप 10वीं से भर रहे हैं, ठीक है, पूरी बातों को समझ लीजिएगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 10वीं के मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका जो 10वीं से भर रहे हैं उनके लिए, जो ITI से भर रहे हैं उनकी अगर यहाँ पर बात करूँ तो उनको ITI की मार्कशीट जो अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सेकेंड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, SSC के जो है मार्कशीट आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आप 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर जो है प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका अगला पूछा है कि यहाँ पर जो मार्कशीट है, ठीक है, ऑल सेमेस्टर, जैसे आपका ITI आपने किया है तो उसमें सेमेस्टर वाइज था या फिर जो है ईयर वाइज था। अगर सेमेस्टर वाइज था तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। NCVT सर्टिफिकेट आप लोगों ने देखा होगा, NCVT सर्टिफिकेट उसमें एक नंबर भी होता है ITI वालों के लिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC अगर आप है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल एबिलिटी सर्टिफिकेट इन कास्ट, देखिए अगर आप जैसे कि PWD मतलब हैंडीकैप कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप लोगों को जो है जो आपका प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, उसका वो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा किस प्रकार से फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आप 10 तारीख के बाद वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, उम्मीद है सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।